हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कविराज डेली व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरी गर्म पानी पी के और ऑकवर्ड सा मुंह बना के। उसके बाद मैंने ये प्लांट को थोड़ा ठीक किया क्योंकि इसके नीचे ना सारे वही हो रहे थे गोल गोल ये वाले, तो मैंने प्लांट पहले फिक्स किया। फिर उसमें मैंने पानी डाला जितना थोड़ा बहुत जितना आ सकता था उतना ही मैंने इसमें वो डाले बॉल्स। फिर उसके बाद मैंने बचे हुए बॉल्स अपने खाली वाले जार में डाल दिए क्योंकि वो बेचारा खाली था, तो मैंने उसमें ही डाल के रख दिए। सो ऑल सेट, मेरा हो चुका है पूरा परफेक्ट। तो अब हम इसको अच्छे से पानी डाल दिया था मैंने इसमें। उसके बाद मैंने थोड़ा किया योगा हमेशा की तरह। तो फिर जिस मैट में किया था उस मैट को फोल्ड करना तो बनता ही था, तो मैंने मैट फोल्ड किया और उसके बाद मैं चल दी अपना डे टू डे काम करने। और फिर यहाँ मैंने रखा इस मैट को ढंग से। और उसके बाद मैं यहाँ पे खा रही थी ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैं ऐड कर रही हूँ अपनी हेल्दी लाइफ में बादाम, किशमिश और डेट्स। तो काफ़ी इंजॉय करती हूँ मैं सुबह सुबह खाने वक्त। और मेरे को ना बहुत चीज़ मॉर्निंग में मुझे सारी चीज़ें बहुत आराम से चाहिए। आ गया था दूध वाला, यहाँ पे मैंने ले लिया था दूध। और उसके बाद ये देखो कितना, मतलब कैसे डब्बे में लेके आ रहा भाई मेरे लिए ये दूध। तो ये ऐसा कुछ दूध का डब्बा था इन्होंने दिया था, तो फिर उसको मैंने डाला, दूध खाली किया। और उसके बाद हम फिर से खाएँगे, अच्छे से दूध खाली हो चुका है तो हम करेंगे फिर से ड्राई फ्रूट्स, अच्छे से छिलेंगे। बादाम छिल करके मुझे अब अच्छे लगते हैं, पहले अच्छे नहीं लगते थे। तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ गाइस मॉर्निंग में जल्दी उठ करके। ना यही फ़ायदा होता है कि आप आराम से चीज़ें करते हो और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है मॉर्निंग में ही, आधे से ज़्यादा काम पूरा कम्प्लीट हो जाता है। ये था नारियल फोड़ा था राज ने और अब मुझे करना था ये है नारियल पानी। नारियल में थी मलाई गाइस, सरप्राइजिंगली, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि जिस नारियल में ज़्यादा पानी होता है तो उसमें मलाई नहीं होती, बट इसमें बहुत मलाई है। इट मीन्स ऐसा कुछ नहीं होता, उन लोग बनाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हम फड़वाते नहीं हैं। अभी मैंने रात से फड़वाया है, इसमें मलाई भी और पानी भी इतना अच्छा है। नारियल में पानी आ चुका है और ये नारियल आप देखो इसमें मलाई भी है बहुत अच्छी खासी, पर ये साफ होगा। सही में यार, इतने दिनों बाद नारियल पानी पीने को मिल रहा है ना, और इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ गाइस। और मुझे तो कतई बैंगलोर की याद आ रही है क्योंकि वहाँ इतना सस्ता नारियल मिलता था। आय हाय क्या मज़ा आ रहा है, योगा करने के बाद सीधे अभी मैं नारियल पानी पी रही हूँ। तो बस यहाँ पे हम अपना पूरा ध्यान लगा करके निकाल निकाल के हम लोगों ने नारियल खाया। नहीं लगता था, मतलब इसका जो पानी है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब सॉरी पानी जो बोली, पानी तो बहुत मीठा है। ये जो मलाई थी ना मुझे इतनी गंदी लगती थी, इतनी गंदी लगती थी। और जब मैंने बैंगलोर जाके एक दिन खाया, दो दिन खाया, इतनी अच्छी लगने लगी ना, और इतना मस्त और पेट इतना बढ़िया तरीके से भरता था ना, बहुत मज़ा आता था। तो खाना बनाना तो बहुत कंपलसरी है, तो आ जाओ। हम लोगों ने डाला था इसमें तेल, उसके बाद हम डालेंगे इसमें खड़े मसाले और फिर हम लोग डालेंगे, मैं यहाँ पे डालूँगी अदरक का पिसा हुआ पेस्ट। और मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, अब डालेंगे हम मसाले पटक पटक से, गरम मसाला, हल्दी मसाला, पाउडर मसाला, पता नहीं कितने कितने मसाले होते हैं, सारे मसाले डाले। उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड किया, ग्राइंड कर दिया था। और इसके बाद इसकी ग्रेवी, काफ़ी मज़ा आ गया था ग्रेवी में। और उसके बाद मैंने डायरेक्ट डाल दिया था दाल, तो ऐसा कुछ मेरी दाल बनी थी गाइस। सिंपल पानी में डाला मैगी और पानी के किनारे किनारे डाल दिया मसाला। यह हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच
सो ये है मेरा मेकअप। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय कविराज डेली व्लॉग्स। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो यस, आप लोगों ने पूरा मॉर्निंग देख ही लिया है। और जैसे कि अभी मैं हूँ अपने मेकअप्स के साथ, तो यस, तो मेकअप से तो पता चल ही गया है कि मैं कुछ मेकअप वीडियो कर रही हूँ अभी शूट आप लोगों के साथ। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोगों को और क्या चीज़ आप लोगों को बहुत प्यारी लग रही है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने अपने फेस में कुछ भी नहीं लगाया है, तो पहले हम लोग लगा लेते हैं अपने फेस में सनस्क्रीन। तो मैं लगा रही हूँ मिनिमलिस्ट की, यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, तो पहले हम लगाएंगे अपनी सनस्क्रीन। सो मैंने लगा लिया सनस्क्रीन। So guys, this is my final look. Comment करके बताओ कैसी लग रहा है मेरा final look। और ये है मेरा कुछ ऐसा। So like करो, subscribe करो, share करो video अच्छी लगे तो। मैं जा रही थी पीछे bathroom से, पीछे वाली side, तो पता है पीछे आया बंदर ऐसे jump कर रहा था, मेरी वाली building में आ रहा था। मैं अभी तक बाहर बैठी थी, तो मुझे डर को इतना बड़ा था ना गाइस, बहुत ही बड़ा था, डर के मारे अंदर आई। मैं सारे दरवाजे देख रही हूँ कि बंद है ना, पता चला व्लॉगिंग के चक्कर में बंदर कर देगा काम। सो ऐसा कुछ मेरा लुक आ रहा है। सो गाइस, वैसे तो मैं सोचती हूँ कि अपने मेकअप का मैं पूरा फुल यूटिलाइज़ करूँ, पर थिंग इज़ कि आप देख सकते हैं इतना हैवी मेकअप किया है, और ऊपर से फिर अभी मुझे काम करना ऑफिस का अपना। मैंने इतना लिपा पोती किया, कितनी इतनी, तो इसको मैं हटाती हूँ और फिर काम में बैठती हूँ। तो मेकअप हो रहा है ना, अरे ऐसे मेकअप ना रखना मुश्किल हो जाता है मुझे मेकअप। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ क्विकली मैं मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ इतना जो मैंने लगाया है आखिरकार। तो यह है कोकोनट ऑयल, मैं आप लोगों के सामने यूज़ कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। ये रहा कोकोनट ऑयल। तो बस अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर धो दूँगी, फिर मैं लगाऊँगी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट होता है गाइस। देखो दो मिनट में सारा निकल गया मेकअप। सो गाइस, आज मैंने बनाया है ये वाले दाल, मम्मी के टेस्ट की अचार और बीच में चावल। अब मेरा पहाड़ देखो। आज आपका खाना इतना कम क्यों है? सो गाइस, आज मैंने बनाया है ये वाले दाल, मम्मी के टेस्ट की अचार और बीच में चावल। अब मेरा पहाड़ देखो। आज आपका खाना इतना कम क्यों है? आज फिर बज रहे हैं 5:20 ऐसे कुछ हो रहा है, तो इसी टाइम पे शायद मेरी कॉफ़ी होती है। तो यस,
अभी पीते हैं कॉफी। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे मेकअप और थोड़ा सा दिनचर्या हमने दिखा पाया आज। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और खूब सारा प्यार दो गाइस। और कल वाली व्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा, राजा का टैंक। तो बस सी द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।